हेलो दोस्तों, आप सभी को मैथ विकसित पॉइंट पर सभी का स्वागत है। हम लेकर आए हैं फाउंडेशन बैच जो हर एक एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। जो हमारा जो मेन उद्देश्य है SSC, बैंकिंग, रेलवे, UP पुलिस। हम फाउंडेशन बैच हम चालू करेंगे। जो हमारा आज का टॉपिक है संख्या पद्धति। क्या है संख्या पद्धति? हम प्रतिदिन इसमें आप लोगों को वीडियो अपलोड करेंगे और साथ में क्या चलेगा, रीजनिंग के भी क्लासेस चलेंगे और GK की भी क्लास चलेगा। तो हमारा चलिए दोस्तों आज का हम लोग टॉपिक स्टार्ट करते हैं। संख्या पद्धति। अब संख्या पद्धति क्या होता है, इसमें क्या होता है, हम जितने मान लीजिए संख्याएं हैं उसके बारे में हम क्या करेंगे, इसमें अध्ययन करेंगे, उसको क्या कहते हैं, संख्या पद्धति कहते हैं। अगला जो टॉपिक हमारा है प्राकृतिक संख्या। क्या है? प्राकृतिक संख्या। अब प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? प्राकृतिक संख्या उसे कहते हैं जब हम किसी वस्तु के गणना करते हैं उसे क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या। जैसे एक, दो, तीन, चार, पांच इत्यादि, ये सब क्या होते हैं, प्राकृतिक संख्याएं होते हैं। अगला क्या संख्या होता है, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या अब ये क्या होता है, यदि हम जीरो, यदि प्राकृतिक संख्या में जीरो को अगर हम सम्मिलित कर लेते हैं उसे क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। मान लीजिए हमारा क्या है, प्राकृतिक संख्या है, अगर इसमें हम जीरो को सम्मिलित कर लेंगे उसे क्या कहेंगे, पूर्ण संख्या कहेंगे। जैसे जीरो, एक, दो, तीन, चार, पांच इत्यादि, ये क्या हो गया, पूर्ण संख्या हो गया। अगला जो हमारा संख्या होता है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या अभी क्या होता है, अब इसमें हम क्या करते हैं, प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्याओं को भी सम्मिलित करते हैं और साथ में ही ऋणात्मक संख्याओं को भी सम्मिलित करते हैं उसे क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या कहते हैं। जैसे मान लीजिए एक संख्या रेखा है, यहां पर हम मध्य बिंदु पे क्या मान लेंगे, जीरो, यहां पर क्या करेंगे, एक, दो, तीन, चार, पांच, ये क्या हो गया, प्राकृतिक संख्या है। अगर जीरो को हम सम्मिलित कर लेंगे क्या हो जाएगा, पूर्ण संख्या हो जाएगा। यदि इसी में हम क्या करें, ऋणात्मक संख्याओं को भी सम्मिलित कर लें उसे क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या कहते हैं। जैसे -1, -2, -3, -4, ये सब क्या हुआ, पूर्णांक संख्या। अब अगला संख्या होता है सम संख्या। सम संख्या, सम संख्या किसे कहते हैं, वे संख्याएं जो दो से पूर्णतः विभाजित होते उसे क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। जैसे 2, 4, 6, 8 इत्यादि। अगला संख्या क्या होता है, विषम संख्या। विषम संख्या, अब विषम संख्या कहते हैं वे संख्याएं जो दो से पूर्णतः विभाजित न हो उसे क्या कहते हैं, विषम संख्या। वे संख्याएं जो दो से पूर्णतः विभाजित न हो, उसे क्या कहते हैं,
विषम संख्या कहते हैं, जैसे 3, 5, 7, 9, 11 इत्यादि संख्या क्या होती है, विषम संख्याएं होते हैं। अगला जो है अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं। अब उसे वे संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा किसी से न विभाजित होता है उसे क्या कहते हैं, अभाज्य संख्याएं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 2 है, ये किससे विभाजित होगा, 1 से और विभाजित होगा और 2 से पूर्णतः विभाजित होगा और किस संख्या से पूर्णतः विभाजित नहीं होगा उसे क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या। जैसे 3 मान लीजिए 2 से पूर्णतः विभाजित होगा, मान लीजिए इसको हम भाग कर रहे हैं 2 से तो कितना होगा, 2 कम 2 हमारे शेष पर कितना बचा, 1 बचा ना, इसे क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। और एग्जांपल दे रहे थे, मान लीजिए 5, मान लीजिए क्या होगा, 5 से 5 क्या होगा, विभाजित हो जाएगा, लेकिन और किस संख्या से विभाजित करें, मान लीजिए इसको हम 3 से विभाजित करें तो होगा 3 कम 3 कितना हमारे शेष पर बचा, 2 बचा ना। अब अगला जो टॉपिक है भाज्य संख्या, भाज्य संख्या। अब भाज्य संख्या क्या कहते हैं, वे संख्याएं जो स्वयं और किसी भी अतिरिक्त संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाते हैं उसे क्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 2 है, मान लीजिए 4 है, स्वयं से विभाजित होगा, 2 से विभाजित हो जाएगा और भी किसी संख्या से हम जब भाग करेंगे तो पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। मान लीजिए कितना है, 6 है, ये भी हो जाएगा, 8 है, 6 है, 12 है, सब क्या है, भाज्य संख्याएं हैं। अब है सहभाज्य संख्या, सहभाज्य संख्या बहुत इंपॉर्टेंट संख्या है सहभाज्य संख्या। मान लीजिए 2 संख्याओं का, मान लीजिए 2 संख्याएं हैं और क्या अगर किसी संख्या से जब विभाजित होता है, मान लीजिए 2 संख्याएं यहाँ पर है 3 और 5, इनका अगर एलसीएम हम लेंगे तो कितना आएगा, 1, जब स्टेप लेंगे तो कितना आएगा, 1, उसे क्या कहते हैं, सहभाज्य संख्या कहते हैं। ऐसे जुड़वा भी संख्या कहते हैं, मान लीजिए यहाँ पर है 4, 7, इसका कितना होगा एफसीएम, कितना होगा हमारा, 1 ही होगा, मैं उसे क्या कहते हैं, सहभाज्य संख्या कहते हैं। अगले जो हमारा संख्या है परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, वे संख्या, वे संख्याएं जो p by q के रूप में लिखा जा सके। जैसे कह रहा है वे संख्याएं जो p by q के रूप में लिखा जा सके उसे क्या कहते हैं, परिमेय संख्या। जैसे 4/7 हो गया, 8/5 हो गया, 1/2 हो गया, सब क्या है, परिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या क्या होता है, अपरिमेय संख्या वे संख्याएं जो p by q के रूप में न लिखा जा सके उसे क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या। जैसे मान लीजिए क्या होता है, कोई संख्या होता है जैसे क्या हो गया पाई, ये क्या है, अपरिमेय
संख्या। अंडर रूट दो क्या है? परिमेय संख्या है। अंडर रूट थ्री क्या है? परिमेय संख्या है। अंडर रूट सेवन क्या है? अपरिमेय संख्या है। अब हम देखते हैं जाति मान क्या होता है। जाति मान, अब जाति मान मान लीजिए कोई संख्या है 7, 8, 4, 1। अगर इस संख्या में पूछ लेगा 8 का जाति मान क्या होगा, तो क्या होगा हमारा इसका क्या होता है 8 होगा। और स्थानीय मान क्या होता है? स्थानीय मान। और पूछ लेगा 8 का स्थानीय मान क्या होगा, इसमें मान लीजिए 6, 7, 8, 4, 1। इसमें अगर 8 का स्थानीय मान निकालना रहेगा तो मान लीजिए 1 का निकालना क्या करेंगे, 1 हो जाएगा इंटू 1। अच्छा का क्या होता है 6 × 10, कितना हो जाएगा हमारा 60। 8 का क्या होगा 8 × 100 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 800। अब इसी तरह का क्वेश्चन पूछता है जाति मान और स्थानीय मान का अंतर। एक क्वेश्चन है 8, 7, 5, 8, 5, 4, 4 में 5 का स्थानीय मान ज्ञात करो। तो क्या करेंगे यहाँ पर हमारा 5 का भी करेंगे कितना स्थान पर इकाई दहाई, तो क्या करेंगे 10 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। और मान लीजिए एक क्वेश्चन है 7, 5, 8, 1, 4, 0 पूछ ले में जाति मान, मान इसका जाति मान ज्ञात करना है 5 का, क्या करेंगे तो 5 का जाति मान क्या हो जाएगा हमारा 5 ही हो जाएगा। अगर इन दोनों का अंतर पे क्वेश्चन पूछता है, दोस्तों हमारे चैनल पे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें और शेयर करें, और अगला पार्ट इसके बाद मिलेगा। धन्यवाद।